नमस्कार सभी को। आज हम प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की किरण, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का स्रोत जो है वो प्राकृतिक हो सकता है जैसे सूर्य। प्रकाश का स्रोत जो है वो कृत्रिम भी हो सकता है जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब आदि। मान लीजिए ये प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत सूर्य है और इससे जब प्रकाश निकलता है तो वह एक सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। इस सीधी व सरल रेखा में गमन को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए ये एक परावर्तक पृष्ठ है और एक प्रकाश की किरण जो है वो इस दिशा से आती हुई इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है यहाँ पे और वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है जबकि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो पारदर्शी वस्तुओं से होता है। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश जो है या प्रकाश की किरण जो है वो आर पार नहीं निकल सकती और प्रकाश की पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश की किरण जो है वो आर पार निकल जाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। कोण आई जो है वो आपतन कोण है और कोण आर जो है वो परावर्तन कोण है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण जो होती है वो सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो होती है वो तीनों एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर आपतित होती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हुए। अब प्रकाश के परावर्तन के नियमों और प्रकाश के परावर्तन की क्रिया को हम एक चित्र से समझते हैं। ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ये आई आपतित किरण है, ये आर परावर्तित किरण है और ये 90 डिग्री के एंगल पर ये अभिलंब है। और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में ये जो कोण आई है ये आपतन कोण है और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य ये जो कोण आर जो है वो परावर्तन कोण है। आई आपतित किरण जो होती है वो इस दिशा से आते हुए परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस इसी दिशा में लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम, पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होता है वो बराबर होता है। यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर जो होते हैं वो आपस में समान होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वो तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर आपस में मिलते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन के प्रकार, मुख्यतः परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन। इस प्रकार का परावर्तन चिकने या समतल सतह से होता है तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समानांतर ही रहती हैं।
ये चित्र में ये एक समतल और चिकना परावर्तक पृष्ठ है। ये समानांतर आपतित किरणें इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है और समतल परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात ये परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में गमन कर जाती है और आपस में समानांतर ही रहती है। यानी कि जो प्रकाश का जो परावर्तन है वो नियमित होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन को विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं। इस तरह का परावर्तन खुरदरी सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समानांतर किरणें जो होती है वो समानांतर नहीं रहती। ये एक खुरदरा परावर्तक पृष्ठ है और इस पर समानांतर आपतित किरणें जो है वो आपतित हो रही है इस दिशा से, और ये आपतित किरणें इस खुरदरे परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, अनियमित दिशाओं में गमन कर जाती है और आपस में समानांतर भी नहीं रहती। यानी कि परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें जो है वो विसरित हो गई है, अनियमित दिशाओं में गमन कर जाती है, तो इसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। दृश्य प्रकाश अर्थात वह प्रकाश जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। वास्तविकता में विद्युत चुंबकीय विकिरण के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग दृश्य प्रकाश होता है। इस दृश्य प्रकाश में भिन्न भिन्न आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें होती है। हमारी आंखें हर आवृत्ति की तरंगों को, हर तरंग दैर्ध्य की तरंगों को एक अलग रंग में देखती है। मोटे तौर पर हम इन्हें 7 रंगों में बांटते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। यानी कि जो प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है जिसे हम देख सकते हैं, वो 7 रंगों से मिलके बना होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। इन 7 रंगों को याद हम एक पंक्ति की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं: बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। बे से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यानी कि जो दृश्य प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलके बना होता है। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण की जाती है तो यह परावर्तन वस्तु को आँखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश जो है वो परावर्तन के पश्चात हमारी आँखों में प्रवेश करता है और हमारी आँखों में रेटिना तक पहुँचता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जब हम इस सेव को देखते हैं तो इस सेव से प्रकाश जो होता है वो परावर्तित होकर हमारी आँखों में पहुँचता है और हमें ये सेव दिखाई देती है। कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु किस रंग के प्रकाश का परावर्तन जो है वो सबसे अधिक करती है। उदाहरण के लिए ये जो सेव जो है वो लाल रंग का जो प्रकाश जो होता है उसका परावर्तन जो है वो सबसे अधिक करती है, इसलिए ये हमें लाल दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत।